अभी गोड्डा में कुछ दिन पूर्व सनराइज हॉस्पिटल में घटी अग्निकांड के बाद सारे सरकारी महकमों में गहमा गहमी का माहौल है। इस मामले में जांच की तो ऐसे कई अस्पताल पाए गए जो नियमों का उल्लंघन करते हुए अस्पताल चला रहे हैं, और एक अस्पताल तो ऐसा पाया गया जिसका लाइसेंस रद्द होने के बाद भी पेशेंट जो कि ऐसे अस्पताल वालों के लिए ग्राहक समान है, उनसे ऑपरेशन और बिड के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर आप कहीं सफ़र करते हैं तो आपको ट्रिवागो और ओयो जैसी कंपनी द्वारा पैकेज दिया जाता है कि दो रात बेड और तीन दिन का इतना पैसा लगेगा। उसी तरह इस अस्पताल में भी पैकेज दिया जाता है कि आपको तीन दिन का पैकेज लेना है कि एक हफ्ते का, कम से कम आपको तीन दिन का पैकेज लेना ही होगा जिसका दाम 11 से 12 हज़ार तक पड़ सकता है, जिसमें आपको बेड दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुदर्शन हॉस्पिटल पोस्टमार्टम रोड असनमनी की। आपको बता दें कि इस अस्पताल को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह एक अस्पताल है, आपको इसका ढांचा बिल्कुल एक घर की तरह लगेगा। जब इस मामले को लेकर सीएस गोड्डा से बातचीत की तो उन्होंने कागजी पन्नों की नसीहत देते हुए कहा कि अगर लिखित में किसी का आवेदन आएगा तो इसके संदर्भ में जाँच किया जाएगा। आपको बताते चले कि इस आज से 6 महीने पूर्व एक आदिवासी महिला जिसने इस अस्पताल पर संगीन आरोप लगाया था और इसके मामले में पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव को चिट्ठी भी दी थी, जिसके बाद श्री विधायक ने सीएस गोड्डा को चिट्ठी लिख इस अस्पताल की जांच करने को कहा था, जिसके बाद इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद वजूद भी इस अस्पताल में रोगियों का गैर कानूनी तौर पर इलाज किया जा रहा है।